हाय, मैं बताना चाहूँगा मेरे खुद के अनुभव के विषय में और मैंने क्या सीखा। हमारी कलीसिया में 40 दिन के प्रार्थना के कैंपेन के कार्यान्वयन के विषय। कैंपेन साधारणता एक ऐसी बात होती है जहाँ पर आप एक श्रृंखला लेते हैं जिसमें 6 हफ्तों तक प्रचार किया जाता है, लेकिन आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा केंद्रित करते हैं कि 6 हफ्तों में आपकी कलीसिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती चली जाए। आप बहुत सारे लोगों को न्योता देते हैं और आप उन्हें एक प्रक्रिया में डालते हैं, मेंबरशिप के या स्मॉल ग्रुप के कुछ बातों के समान, और हम इस इकट्ठे किए जाने को करते हैं। और कैंपेन का मतलब ये भी होता है कि आप जोश में आते हैं थोड़े समय के लिए, आप इसे लगातार नहीं कर सकते हैं इस ऊर्जा को बहुत समय तक। तो हम क्या करते हैं, हम इसे 4, 5 या 6 हफ्तों तक करते हैं और फिर से लौट कर हम आते हैं, और इस समय के दौरान जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं हम उन पर कार्य करते हैं। और इसलिए और इसे ही तो कैंपेन कहते हैं। और हाल ही में हमने जो खत्म किया है मेरी कलीसिया कवनेंट लाइफ में, मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं कि 40 दिनों की प्रार्थना। आपको कुछ सामग्री मिलती है और ये सामग्री कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। हर एक छोटे झुंड में ये सामग्री उपलब्ध कराई गई है, वे पत्रिका में है और हमने दिया है, हमने पब्लिसिटी मटेरियल को दिया है, कुछ न्योते जिसके द्वारा हम लोगों ने बताया है कि उसमें विषय कौन से होंगे और कैसे वे अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं और उसी के आधार पर कि हम कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह। कैंपेन में एक बात होती है, वो है ध्यान देना। जो भी हम लोग कर रहे हैं हम पूर्णतः बंद कर देते हैं। संडे स्कूल स्त्री और पुरुषों के बीच में, बच्चों की सेवकाई, हम लोग सब कुछ रोक देते हैं और सभी लोग एक ही बात को करना शुरू करते हैं। सभी सेवा के लिए एक ही सामग्री इस्तेमाल की जाती है। हम बाकी सभी बड़ी बातों को भी बंद कर देते हैं, सामाजिक या ऐसी कुछ बातों को। असल में हम लोग क्या करना चाहते हैं इन 5-6 हफ्तों के दौरान में, जहां हम लोगों को जीत कर कलीसिया में लाना चाहते हैं। जब इसे कर लेते हैं, मान लीजिए 10, 20, 25, 50 लोग आपकी कलीसिया में आते हैं, नए लोग आपकी कलीसिया में आते हैं और आप चाहते हैं कि वे प्रक्रिया में होकर जाए और वे छोटे झुंड से लेकर संबंधों में और प्रभु में आगे बलवंत होने तक में, तो कैंपेन जो है वो ऐसा ही होता है। हर कोई शामिल होता है, तो आपके पास में वो समय होना है जब हम इसके लिए तैयार होते हैं, जिसमें हर प्रकार के लोग तैयार होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग जाने की ये बात आरंभ होने वाली है कि कैंपेन में क्या होगा। और हमने जो अभी किया था 40 दिनों की प्रार्थना, और मैं इसे आपको बांटना चाहता हूँ। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं samuelbagresources.com से, pastor.com से, लेकिन मेरे पास कुछ सामग्री है जो मैं आपको दे सकता हूँ साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास में ये उपलब्ध है हिंदी में भी, और मुझे ये आपको देना अच्छा लगेगा अगर आप इस कैंपेन के सामग्री को सुसमाचार के किट के रूप में इस्तेमाल करें। जब आप कैंपेन करते हो तो सब बातें जो है उसकी ओर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम आराधना के तरीके को भी बदलते हैं। साधारणता हम खुली रीति से प्रार्थना करते हैं और लोग प्रभु को क्या दे रहे हैं इस पर अधिकतर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कैंपेन के समय के दौरान हम आराधना के टीम को लोगों की सेवकाई करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारे अविश्वासी लोगों को इतवार की सभा में बुलाते हैं, आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे भी परमेश्वर की आराधना करें। वे हमें आराधना करता देखते हैं और इसलिए हम आराधना की प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसके बजाय हम उन्हें आराधना का प्रदर्शन करते हैं, इसके बजाय कि अपेक्षा करें कि सब लोग शामिल हो जाए। और इसीलिए जो लोग नए आते हैं उन सभी लोगों के लिए बातें सहज हो जाती है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मस्जिद में जाते हैं, तो वे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी उसमें शामिल हो जाए, आप भी घुटने टेके। लेकिन जब कलीसिया में लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम आराधना करने के लिए नहीं कहते, लेकिन अधिकतर समय हम चाहते हैं कि वे हमारी आराधना को देखें, हमारे साथ में वे आए। हम चाहते हैं कि वे परमेश्वर की शांति का अनुभव करें, हम लोग चाहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य का भी अनुभव करें, और इसी प्रकार की हम आराधना करते हैं। जब नए लोग आते हैं तो शायद हमें उनका आदर सत्कार भी करना पड़े, शायद उन्हें नाश्ता भी देना पड़े या फिर कुछ पीने के लिए दे सके, ताकि उनको वहाँ पर कुछ सहज महसूस हो सके। और जब लोग उनका इस रीति से स्वागत करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है जब ऐसा स्वागत किया जाता है। और एक बात जो हमने पिछले हमारे कैंपेन में की थी, कई बार ये थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है, हमने क्या किया कि हमने भेंट और प्रभु भोज को नहीं किया हमारे कैंपेन के 4 या 5 या 6 हफ्तों के दौरान। और उसके पीछे का कारण ये है, प्रभु भोज विश्वासियों का है, यह विश्वासियों के लिए है, और परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं और वे प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। आप अपेक्षा नहीं करते कि अविश्वासी इसमें शामिल हो जाए। दरअसल आप उन्हें बुलाकर ये नहीं कह सकते कि आप इसको हाथ न लगाए या इसमें शामिल न हो। तो हमने प्रभु भोज को निकाल कर छोटे झुंडों में डाल दिया, और इतवार की सुबह के दौरान इस विशेष समय में हमने उस बात को नहीं किया। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये कोई एक स्वार्थहीन बात है, हमारी ओर से एक खुले मन की बात थी कि हम अपने आप को एक ओर रखकर अनुमति दे हमारे अविश्वासी मित्रों को, परिवार वालों को और सगे संबंधियों को कि वे उसमें सहज महसूस करें।
हम विज्ञापन को कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने विज्ञापन पर इतना अच्छा काम किया है, शायद अगली बार मैं इस बात पर अच्छा काम करूं। परंतु हमने साधारणतः अपने मुंह के द्वारा विज्ञापन को किया और हमने कुछ बातों को दिया इन निमंत्रण को, और कुछ निमंत्रण को हमने फेसबुक पर रखा, हमने फेसबुक पर एक इवेंट को रखा और हमने भेजा, व्हाट्सएप को भी भिन्न भिन्न प्रकार के, और हर सप्ताह हम लोग ग्राफिक्स को बदलते थे, भेजते थे और हमारे लोग उसे आगे बढ़ाते थे। तो ये इस रीति से काम किया और कुछ लोग इसमें शामिल भी हुए और इस समय के दौरान हमसे मिलने भी आए, जितने मैंने पसंद किया था नहीं, उसके बिल्कुल करीबी नहीं। परंतु हमने निश्चित तौर से हमारी उपस्थिति में निश्चित तौर से एक छाप को छोड़ा। हमारी उपस्थिति में करीबन 30% का इजाफा हुआ प्रचार और विज्ञापन के दौरान और फिर कैंपेन के दौरान भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे झुंड के विषय में। लोगों को सिर्फ कलीसिया में बुलाना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हो कि वे इतवार के दिन में ही आए, आप एक संबंध बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लोगों के साथ में संपर्क में आए और तभी वे बने रहेंगे। आपने निमंत्रण दिया इसलिए वे आएंगे, वे इसीलिए आएंगे उस विषय को सुनने के लिए जो आप प्रचार करते हो, लेकिन वे मित्रों के कारण ही बने रहेंगे। और तुरंत ही हम उन लोगों को छोटे झुंड में रखना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे हम उन्हें छोटे झुंड के संपर्क में लाते हैं, सामग्री दिखाते हैं और छोटे झुंड के लिए बहुत ही अच्छे सामग्री को देते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, हमारे पास में पूरा इसका पैकेज है, मैं आपको इसे दे सकता हूँ। ये जो हमने बनाया है, हमने इसे छोटे झुंड को दिया था और छोटे झुंड ने कुछ और वीडियोस को देखा और उन्होंने विचार विमर्श किया और ये बहुत ही बड़ी आशीष साबित हुई। ये बहुत बड़ी आशीष बनी। दरअसल कुछ झुंड जो बाद में शुरू हुए थे वे खत्म नहीं करना चाहते थे, हालांकि हमने समाप्त कर दिया था, वे उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं हमारे झुंड के आगे बढ़ने के बात को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश हूँ। तो छोटे झुंड एक कुंजी है उन फलों को बना के रखने के लिए जो कैंपेन के द्वारा आते हैं, और जो सामग्री आप छोटे झुंड में देते हैं वही तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमने इसे हिंदी में भी अनुवादित किया है और हम इसे आपको देना पसंद करेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पिछले कैंपेन के दौरान और एक ऐसी दिलचस्प बात हुई जिसका मैंने अनुभव किया था। हमने निमंत्रण दिया था, मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को आने का न्योता दिया था इस कैंपेन के दौरान। तो पास्टर्स और कलीसियाएं, छोटे वाले झुंड और बड़े वाले झुंड, संपूर्ण उत्तर भारत में और कुछ बाहर के भी, उन्होंने हमारे साथ में आना पसंद किया। कुछ लोग एक हफ्ते या दो हफ्ते पीछे थे और हम उन लोगों को सामग्री को भेजते थे, निश्चित तौर पे हमारे साथ में प्रतिदिन वे थे। वे हमारे साथ में शामिल हुए थे अलाहाबाद से, नागपुर से और देहरादून से और भिन्न भिन्न स्थानों से, अम्बाला से भी थे। ऐसे भी लोग थे हमारे कैंपेन को अपना रहे थे, और यही बात तो है, उत्साहित करने वाली बात है, जो हमारे साथ में ही सीमित नहीं रही लेकिन दूसरे कलीसियाओं तक भी पहुंची। और आशा करता हूं कि आपने इसे नहीं चुका, लेकिन अगर किया है सब कुछ यही पर है, जब भी आप शुरू करना चाहते कर सकते हैं और मैं आपको ये दूंगा इन सभी बातों को आपके लिए। तो आप हमें बताइए कि इन सामग्री को हम आप तक किस रीति से पहुंचा सके लिंक्स को, और हम आपके लिए करेंगे। अगर आपको हिंदी चाहिए तो मेरे एक अच्छे मित्र है पास्टर जस्टिन मसीह, जो कि इलाहाबाद में है, उनके पास में ये सब कुछ हिंदी में है, तो उनके वीडियोस उपलब्ध है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य चीजों का भी। वो आपको भेजेंगे, हम भी आपको ये भेजेंगे हिंदी में और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के बीच के कुछ लोगों का सुधी ले लेगी। तो यही मेरे सीखने का अनुभव रहा है, हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया, अब हम बहुत ही उत्साहित हैं और मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ ताकि वे लोग परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। और हर 6 महीने के पश्चात में हम कैंपेन करते हैं और ये उस बढ़त को लेकर आता है, बहुत सारे लोग आते हैं और ये एक उत्साह को भी उत्पन्न करता है हमारे कलीसियाओं में। ये कुछ बातें थी, आप मुझसे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसे कैसे करें, जब आप इसे कर रहे उस समय के दौरान भी आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे खुशी होगी और उत्तर को देकर भी। प्रभु आशीष दे और आपकी कलीसिया में कैंपेन का इस्तेमाल करने के विषय में सोचिए, सुसमाचार के लिए और आपकी कलीसिया के बढ़त के लिए, और फिर ताकि ये बात आगे भी